आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 23 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान के रजवाड़ों के बीच में। दोनों ही टीम्स जीत के इरादे से उतरेगी और जीत के इरादे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगी, जहां पर ये धमाकेदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2023 का मुकाबला नंबर 23, क्या कोइंसिडेंट है, 23 मुकाबला नंबर 23 खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो टॉप 5 की टीमों के बीच में। यानी एक तरफ गुजरात की टीम होगी जो कि पंजाब को तगड़े तरीके से पछाड़ कर आ रही है, राहुल तेवतिया का वो चौका आप सभी को याद होगा। वहीं दूसरी तरफ रजवाड़े होंगे, राजस्थान के रजवाड़े जो कि सीएसके को सीएसके के घर में घुसकर मार कर आ रहे हैं। दोनों ही टीम्स जीत के साथ आ रही हैं और दोनों ही टीम्स जीत के इरादे से भी आ रही हैं, तो मुकाबला जो है टक्कर का होने वाला है। लेकिन पिच क्या कुछ कहती है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच जहाँ पे लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों की ही पिच अवेलेबल है, वो पिच क्या कुछ कहती है वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। देखिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह बल्लेबाजों के अनुकूल सतह प्रदान करती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के साथ अधिकांश खेलों में जीत हासिल करना, पहले बल्लेबाजी करना सही निर्णय साबित होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विपक्षी टीम को दबाव में लाने के लिए अपनी पहली पारी में बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाने का लक्ष्य रखेगी। तो देखा आपने अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है वो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। यहाँ पे हालांकि आपको बॉलर्स को ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिलेगी, बट बैटिंग फ्रेंडली ये पिच रहेगी। लंबे लंबे चौके छक्के यहाँ पर बरसेंगे और अगर आपने टॉस जीता है और अगर आपने बॉलिंग करने का फैसला लिया तब तो अच्छी बात है, लेकिन गलती से अगर आपने टॉस हारा है और आपको बैटिंग करने का फैसला दिया गया है दूसरी टीम से, तो आपको अगर बल्लेबाजी करनी है तो एक अच्छा खासा टोटल आपको पहली पारी में लगाना पड़ेगा, ताकि जो चेजिंग टीम है उसको थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे हो। तो अच्छा टोटल आपको यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, बैटर्स फ्रेंडली है पिच है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ है पिच रिपोर्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। अब कमेंट्स करके अपनी राय बताइए, साथ ही साथ बताइए कि इस पिच पे किसका बोलबाला आपको लग रहा है, कि राजस्थान का यहाँ पे डंका बजेगा या फिर गुजरात अपने होम ग्राउंड में राजस्थान की लंका लगाए। अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर ये सारी चीजें बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।